हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टियाज ग्रीन कॉरिडोर। और मैं हूँ टिया। तो वीडियो की शुरुआत आज कुछ एडेनियम से करते हैं जो मेरे गार्डन में भी खिले हैं। आप वाइट देख सकते हैं कितना बड़ा है। ये है पिंक कलर और ये देखिए वेरीगेटेड कलर है, कितना खूबसूरत है। ये देखिए, ये एक और, विंटर का फ्लावरिंग करने के लिए मैं सारे अपने एडिनम को ऊपर ले आई, एकदम ऊपर वाला फ्लोर में। तो यहाँ धूप इतना अच्छा आता है कि सारे एडिनम ब्लूमिंग पे आ गए। यहाँ ये मिली भी देखिए काफी खिलने लगे हैं। तो ऊपर से मेरे गार्डन का नजारा कुछ ऐसा है। तो चलिए दोस्तों, नीचे जाके देखते हैं। अब तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने काफी विंटर फ्लावर्स प्लांटिंग कर दिया है और मेरे यहाँ ब्लूमिंग भी स्टार्ट हो चुका है। वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और यहाँ तो हिबिस्कस भी काफ़ी अच्छे से ब्लूम कर रहा है। सबसे अच्छा तो पिटूनिया है, सब ब्लूम करी ऑलरेडी, पूरा स्प्रेड करके ब्लूम करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, और ये इनका देखिए, सब में कितने सारे बर्ड्स आए हुए हैं। क्रिसेंथेमम भी काफी अच्छे ग्रो हुए हैं, लेकिन इनका तो वही प्रॉब्लम है, कब मिलीबग का अटैक हो जाए। इस साल मैं क्रिसेंथेमम अच्छे से कर नहीं पा रही, पहली बार तो बारिश के वजह से और दूसरा मेरा हेल्थ इश्यू, काफी बीमार रही मैं। ये देखिए कितने सारे पिटूनिया ब्लूम कर रहे हैं। जैसे जैसे विंटर आएगा पूरा भर जाएगा। रोजेस देखिए, ये भी प्रूनिंग करने के बाद ये भी काफी ब्लूम करने लगे हैं। देखते हैं, रोजेस के प्लांट का भी प्रूनिंग ठीक से ठीक टाइम पर नहीं हुआ, इस वजह से पता नहीं ये ठीक रहेंगे या नहीं। और ये लैंटना देखिए कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है। और आज तो बहुत सारे हिबिस्कस खिले हैं देखिए। और ये हाइब्रिड वैरायटी के फूल लगभग पूरे साल ही खिलते रहते हैं। ये देखिए डालिया, और ये जो क्रिसेंथेमम है, ये क्रिसेंथेमम मैंने उन लोगों वो वाले प्लांट से कटिंग लेके लगा दिया था, पिंचिंग किया था तो कटिंग लगा दिया, तो ये भी लग पड़े। इस तरफ और कई सारे बेबी प्लांट्स लगे हुए हैं, जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं वैसे वैसे इनको शिफ्ट करते हैं हम। ये देखिए पैंजी लगा हुए हैं। ये पैंजी का जगह मुझे चेंज करना पड़ेगा, धूप में, ज्यादा धूप में रखना पड़ेगा। इस एरिया में देखिए पेटूनिया काफी
ब्लूम करने लगे हैं। ये वाला कलर देखिए कितना सुंदर है। एलमोंडा भी अभी भी एक दो करके ब्लूम कर रहे हैं। यहाँ डायंथस देखिए काफी अच्छे से ब्लूम करने लगे हैं। सदाबहार भी, हाइब्रिड सदाबहार भी काफी अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। और ये एक देखिए जरबेरा, मेरे पास 20-25 के ऊपर जरबेरा है, तो मैंने वो नीचे के बैल्कनी गार्डन में रखा है धूप से बचाने के लिए। ज़्यादा धूप होता है तो इन पर अच्छा, तो ये एक रह गया था ऊपर, तो इतना अच्छा देखने में लग रहा है तो मैंने रहने दिया। लेकिन अगर ये अच्छा नहीं रहेगा, अगर ज़्यादा धूप की वजह से ख़राब होता है, तो मैं हटा दूँगी, इसको भी नीचे रख दूँगी। और इस एरिया को मैंने कुछ चेंज किया है, मेरे सारे फॉलिएज प्लांट्स मैंने इस तरफ रख दिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कलरफुल लग रहा है ये एरिया। अभी और भी बहुत कुछ करने का प्लानिंग तो है, लेकिन आजकल हेल्थ के वजह से बहुत इशू चल रहा है। ये देखिए इंडियन ऑर्किड इसको बोलते हैं, कई लोग इसको कचनार भी बोलते हैं। इम्प्रेशन में भी छोटे छोटे फूल आने लगे हैं। इस बार अभी तक एस्टर मुझे मिला नहीं, देखते हैं। अभी भी काफ़ी प्लांट्स लाना बाकी है, देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे विंटर गार्डन का ही आपको देखने को मिलेगा तो अच्छा लगेगा। ये टेरेस जब पूरा भर जाता है फ्लावर से, बहुत खूबसूरत देखने में लगता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।